टोंक में सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात पर सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर हंगामा यहां पर हुआ। विवाद बढ़ने पर प्रभारी मंत्री कांग्रेसी नेताओं की शिकायत सुने बिना ही वहां से निकल गए। टोंक जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के लिए टोंक पहुंचे थे, जहां कांग्रेस के पार्षद संगठन की शिकायतों को लेकर मंत्री जूली से मिलने पहुंचे। भीड़ देखकर प्रभारी मंत्री ने उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा और साथ ही किसी एक व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा। और इस पर मौजूद कांग्रेसी पार्षद अतलाउल्लाह खान, कांग्रेस संगठन महामंत्री एहसान बाबा, शहर ब्लॉक कमेटी उपाध्यक्ष अब्दुल खालिक भड़क उठे और देखते ही देखते यह हंगामा यहां पर शुरू हुआ। हंगामा होते देख प्रभारी मंत्री वहां से बिना बात सुने ही निकल गए। कांग्रेसी अगर सच्चा कांग्रेसी है तो उसको भी सरकार के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनकी पालना करनी चाहिए। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं थे, तरीके से अपनी बात नहीं कह रहे थे। मैंने कहा भाई एक व्यक्ति कोई भी अपनी बात कहते हैं, मैं उनकी बात सुनने के लिए गया हूँ। अब वो ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा लीडर कौन है, कौन अपनी बात रखेगा। तो मैंने उनसे यही कहा है कि आप ये तय कर लें कि आप में से किसको कहना है। अभी वो लोग हैं, उनमें से जो भी दो लोग अपनी बात रखेंगे मैं उनकी बात सुनूंगा और उनकी जो भी शिकायत है, अगर जायज शिकायत है, उसमें कार्रवाई भी करूंगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।